तो हेलो, आज अपन देखने वाले हैं बीटा ब्लॉकर। सो बेसिकली बीटा ब्लॉकर की आज हम लोग बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर हम लोग देखने से पहले, सबसे पहले मैं इसमें ड्रग बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो बहुत सी ड्रग है, उसमें मैं एक दो लिख देता हूँ। मेटाप्रोलॉल, प्रोलॉल, लेबिटालॉल, तो बेसिकली ये सब ड्रग हैं। मेटाप्रोलॉल, लेबिटालॉल, तो बेसिकली ये सब बीटा ब्लॉकर की ड्रग हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीटा ब्लॉकर काम कैसे करती है। हाँ, तो जो बीटा ब्लॉकर होती है, बीटा ब्लॉकर क्या करती है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसको क्या करती है, डीएक्टिवेट कर देती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देती है। कैसे कर देती है, जो बीटा ब्लॉकर होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डीएक्टिवेट कर देती है। जैसे एक ऐसा होता है, जैसे मैं एक पेशेंट की बात करता हूँ, सपोज़ कोई एंजाइना का पेशेंट है और सपोज़ उसका जो कोरोनरी आर्टरी, उसका कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है पर इसमें थोड़ा ब्लॉकेज है, हाफ ऑक्लूजन है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है। तो अगर वो रेस्ट में है तो उसको ऑक्सीजन डिमांड उतना नहीं है, तो ब्लड थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो उसको पेन वन कुछ नहीं होगा। पर यही पर्सन, जो पर्सन है, वो पर्सन सपोज ए है, वो अभी क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो अगर रनिंग करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ब्लड फ्लो उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्लूजन, हाफ ऑक्लूजन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पेन होने लगेगा, तो पेन इंक्रीज इन चेस्ट रीजन। सो बेसिकली ये रहता है अपना। तो बेसिकली अब बीटा ब्लॉकर क्या करता है, अब देखो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, बहुत ही मज़ेदार है ये। देखो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये बीटा ब्लॉकर ए क्या करता है, जैसे हम लोग अगर काम करेंगे, दौड़ेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जो बीटा ब्लॉकर होती है ना, बीटा ब्लॉकर इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है, डीएक्टिवेट कर देती है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, हार्ट रेट अपनी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो पेन क्या होगा, पेन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसी अपनी बीटा ब्लॉकर काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ब्लॉकर। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।